क्वेश्चन नंबर 12, आपके 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले कितना हो गए 10,00,000 रुपए। सरप्लस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, डेफिसिट फंड दे रखा है, प्लांट मशीनरी का भी है और इन्वेस्टमेंट का भी है, फिर है आपके क्रेडिट दे रखा है 50,000। अब देखो आपके प्रॉफिट पिछले 3 सालों से 20,000 रुपए प्रतिवर्ष क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। मतलब पहले कितना था 5 लाख, फिर हुआ 5,20, फिर हुआ 5,40, लगातार 20,000 की वृद्धि हुई। दो बार लेस करेंगे, ये करंट ईयर प्रॉफिट है, करंट ईयर का इस साल का, ये आपके करंट ईयर प्रॉफिट है। तो अगर आपको हर साल 20,000 वृद्धि हो रही थी, मतलब क्या हुआ, लास्ट 20,000 कम था, उससे पहले 20,000 और कम था, तो पहले 5,00,000 था, फिर 5,20 हुआ, फिर 5,40 हुआ। अब इसमें दे रखा है प्लांट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट दे रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, और साथ में स्टॉक दे रखा है, डिबेंचर दे रखा है, डेट दे रखा है, बैंक है और पेमेंट एक्सपेंस दे रखे हैं। लाभ है 3 वर्षों से लगातार बढ़ रहे हैं, तो मतलब पहले 5,000, फिर 5,20, फिर 5,40, फिर है रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है आपके 2,00,000 का, टैक्स दे रखा है 50%, ये तो बिफोर टैक्स है, मतलब टैक्स चुकाया नहीं है, टैक्स हम घटाएंगे। फिर है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपके 15%, और गुडविल दे रखा है आपके सुपर प्रॉफिट का कितना गुना, 3 गुना, वो भी कौन से वेटेड एवरेज से, क्योंकि लाभ लगातार बढ़ रहा है इसलिए वेटेड एवरेज लगेगा। लेकिन इसमें नियम है कौन सा, अगर आप फेयर वैल्यू ज्ञात कर रहे हो या फिर आप इक्विटी शेयर का वैल्यू ज्ञात कर रहे हो, तो वहां क्या आएगा, आपको सिंपल एवरेज आएगा। लेकिन गुडविल अकेले गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, वहां पर लेंगे हम वेटेड एवरेज लेंगे। अब हमें ज्ञात करना है फेयर वैल्यू, हमें क्या ज्ञात करना है फेयर वैल्यू, मतलब फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है ज्ञात करने का, इंटरेस्टिंग वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू, यानी कि नेट असेस विधि से ज्ञात किया गया इक्विटी शेयर का वैल्यू, वैसे प्रिपेंडर है नहीं कि लिक्विड शेयर ये, प्लस यील्ड वैल्यू मेथड से ज्ञात किया गया आपके इक्विटी शेयर का वैल्यू, बटा क्या कर देंगे हम यहाँ पर 2 कर देंगे। अब नंबर एक हम क्या लेंगे, इंटरेस्टिंग वैल्यू। इंटरेस्टिंग वैल्यू से अगर आपको ज्ञात करना है वैल्यू ऑफ शेयर, तो बताओ फॉर्मूला क्या है याद करने का, नेट असेट्स अपॉन क्या आ जाएगा आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा। नंबर टू, अगर आपको ज्ञात करना है यील्ड मेथड से, तो बताओ यील्ड मेथड से फॉर्मूला क्या है याद करने का, ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू क्या आ जाएगा आपके पेड अप कैपिटल। जो हमारे पास बता लियो पहले, नंबर ऑफ शेयर कितना 10,000, बाकी बात हम याद करेंगे। फिर यहाँ पे कितने कितने दे रखे हैं, नॉर्मल रेट कितने दे रखी है आपके 15, इक्विटी शेयर मूल्य कितना दे रखा है 100 रुपए, बाकी अभी हम याद करेंगे वो लिखेंगे। यहाँ पर भी आपके 2 रुपए, तो 2 तो दे रखा है, अब आगे वाला याद करेंगे तो ये भी याद रहेगा। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके, नेट असेट्स याद करना, तो नेट असेट्स याद करेंगे। नेट असेट्स में देखो क्या कहता है, नंबर वन क्या आती है आपकी गुडविल, जो अभी तक हमारे पास नहीं है वो ज्ञात करनी पड़ेगी पूरे मेथड से। नंबर टू हमारे पास क्या है, प्लांट एंड मशीनरी कितना देर का है, नया मूल्य कितना है 2,00,000 रुपए, यह आएगा आपके 2,00,000 प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेस्टमेंट नेट असेट्स ज्ञात करते समय इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन गुडविल ज्ञात करते समय इन्वेस्टमेंट कौन सा आएगा, अगर ट्रेड हुआ तो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला है या नॉन ट्रेड है तो आपके नहीं आएगा, तो ये गुडविल याद करेंगे तब नहीं आएगा, अब तो आएगा। इन्होंने कितना देर का है आपके 4,00,000 का, फिर है आपके स्टॉक कितना देर का है आपके 4,00,000 का, फिर है आपके डेटर कितना देर का, बाहर का वैल्यू तो कितना 4,80,000, फिर बैंक कितना देर का है आपके 2,00,000, प्रीवेशन तो आएगा नहीं, तो ये सब हम जोड़ने के बाद इसमें से हम लेस करेंगे, जोड़ने के बाद लेस करेंगे। अभी तक एक पॉइंट बाकी गुडविल का, वो हम याद करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल के पार्ट से याद करेंगे, उससे पॉइंट लेस कितना देर का है, तो क्या लेस करेंगे हम, एक तो देखो आपके करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी लेस, क्या है आपके क्रेडिट कितना देर का है 50,000। दूसरा पॉइंट है आपके इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट इधर है तो
तो यहाँ भाग में यहाँ भी आएगा, तो क्या लिखेंगे हम? देखो मैंने बताया था डेस्ट फंड यहाँ नहीं आता, गुडविल भी नहीं आता, लेकिन यहाँ आएगा इन्वेस्टमेंट आया है तो इसका फंड क्या कितना आया डेप्रिसिएशन, क्या नाम है डेप्रिसिएशन फंड आएगा, वो भी इन्वेस्टमेंट है, केवल इन्वेस्टमेंट का आता है, वो आता है आपके 12,000। फिर और क्या देर का है बिफोर टैक्स देर का, हम क्या करेंगे प्रॉफिट प्रोविजन फॉर क्या करेंगे हम टैक्स याद करेंगे, ये कितना होता है, कितना लाभ कमाया इसने 5,40 का लाभ कमाया, कितना परसेंट टैक्स है 50%, कितना होता है 2,70,000, 5,40 का 50% कितना होता है 2,70,000। और क्या बात रह गई इसमें आपके, और तो कोई पॉइंट है नहीं, जब आएगा तब देख लेंगे, और तो कोई पॉइंट है नहीं यहाँ, टैक्स हो गया कंप्लीट। अब ये वैल्यू कितना होता है आपके 50,000 प्लस 12,000 प्लस 2,70,000, ये होता है आपके 3,32,000। इसमें से माइनस करेंगे यहां के लिए हमें पहले ये चाहिए गुडविल, अब गुडविल के अलग से हम बाद में बनाएंगे, गुडविल का पूरा अलग ही लिख दोस्तों से। अब अगला मेथड क्या है आपके, ये वैल्यू मेथड, इसमें आपको क्या ज्ञात करना पड़ता है, इसमें ज्ञात करना पड़ता है आपको एक्सपेक्टेड रेट, कैसे ज्ञात, तो फॉर्मूला क्या याद करने का, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, वैसे भी इक्विटी शेयर ही है तो हमें अलग अलग ज्ञात करने की जरूरत है नहीं, बटा क्या आ जाएगा आपके इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू क्या कर देंगे हम यहां पर 100 कर देंगे। सबसे पहले हम याद करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट बताया था गुडविल याद करेंगे तो वेटेड एवरेज लेंगे, यहां वेटेड एवरेज कभी नहीं आता है, तो क्या आएगा देखो पहले कितना लाभ था, माना कि पहले 5,00,000 था, अगले साल हो गया 5,20,000 और करंट ईयर में हमारा लाभ है 5,40,000, ये रहा हमारा करंट ईयर का लाभ 5,40,000। अब 20,000 पीछे जाएंगे गोवा भाजा कर देंगे हम 3, इसमें सिंपल एवरेज लेते हैं, गुडविल होती तो वेटेड एवरेज लेते हैं, यहाँ सिंपल एवरेज आएगा 5,20,000 आएगा, इसमें से हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे हम टैक्स लेस करेंगे, टैक्स कितना देने का है आपके 2,70,000, ज्यादा कितना होता है 5,40 है या 5,20 है, तो कितना होता है आपके 2,60,000, यहाँ टैक्स अलग है, ये टैक्स करंट ईयर का है और यहाँ टैक्स क्या है आपके एवरेज प्रॉफिट पर लगा है, तो कितना आ जाएगा आपके 2,60,000 आ जाएगा। अब ये जो सारा का सारा लाभ है किसका है, सारा सारा इक्विटी शेयर होल्डर है, क्योंकि प्रीफरेंस होल्डर अंदर है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा बताओ 2,60,000 बटा क्या आ जाएगा आपके कभी कितनी बताओ 10,00,000 की कैपिटल है इंटू क्या हो जाएगा आपके 100, ये कितना हो जाएगा आपके 260%, कितना 28% कितना होता है 26% होता है, तो ये आपके यहां आ जाएगा 26%। अब 26 भाजक 15% ज्ञात करेंगे तो ये आएगा आपके 173 रुपए और 33 पैसे, ये आ गया आपके वैल्यू ऑफ शेयर जो आपके यहां आएगा 173.33। अब ये पॉइंट और वो पॉइंट याद करना, उसके लिए हमें क्या चाहिए गुडविल चाहिए, हमें क्या चाहिए गुडविल, तो गुडविल कैसे याद करते हैं, फॉर्मूला क्या है, इसने खुद ने लिखा है सुपर प्रॉफिट का 3 गुना और आपको लाभ लेना वेटेड एवरेज से लेना, तो पैसा सुपर प्रॉफिट का कितना गुना 3 गुना, तो हमारे पास क्या नहीं है सुपर प्रॉफिट नहीं है, वो किसे ज्ञात करेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कहां से लेंगे वो भी हम ज्ञात करेंगे। अब देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे, देखो ये भी ज्ञात करेंगे और घटाएंगे तो हो जाएगा, सबसे पहले देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लेंगे, ये कैसा आएगा हमारा लाभ लगातार बढ़ता हुआ है, पहले कितना था आपके 5,00,000, फिर कितना हो गया है 5,20,000, फिर कितना हो गया है 5,40,000, या 1 लेंगे या 2 लेंगे और या कितना देंगे हम 3 देंगे, वेटेड एवरेज है तो आपको भार देना पड़ेगा, वेट देना पड़ेगा, तो बताओ कितना हो जाएगा आपके, ये तो हो जाएगा 5,00,000, ये हो जाएगा 10,40,000 और ये हो जाएगा आपके 16,20,000, 5,20,000 कितना 5,00,000 प्लस 10,40,000 प्लस 16,20,000, ये होता है 31,60,000 और ये है 6। अगर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो भाग दे दो 6 का, ये आ जाएगा आपके 5,26,000
667। और फिर भी जब ज्ञात करते थे तो हम क्या करते थे, इस पर क्या लेस करते थे, इंटरेस्ट, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट भी नहीं ले रहे हैं। हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट गुडविल लेंगे, गुडविल इन्वेस्ट नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाले, इसलिए हम नहीं लेंगे। अगर गुड अगर ये इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं लेंगे, अगर कहाँ पर कैपिटल में अगर हम नहीं लेंगे तो यहाँ भी क्या लेस कर देंगे, लेस करेंगे क्या इंटरेस्ट कितना, 4,09,000 कितना होता है, 9,36,000 लेस कर देंगे, 5,26,667 माइनस कर देंगे 36,000, ये आ जाएगा 4,90,667। इसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे हम, टैक्स, तो लेस करेंगे टैक्स कितना है 50%, 2,45,333, ये आ जाएगा 2,45,333। अब सामान्य लाभ ज्ञात करेंगे, सामान्य लाभ कैसे ज्ञात होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब हम ज्ञात करेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये काम नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर गुडविल, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, हाँ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लिया है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, तो क्या आ जाएगा बताओ, सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी से कितना 2,00,000 इन्वेस्टमेंट लेते ही नहीं इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला है, क्योंकि हमने यहाँ इंटरेस्ट में नहीं लिया, तो यहाँ देखो यहाँ हमने इंटरेस्ट लिए नहीं, वहाँ इंटरेस्ट घटाया क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट आता नहीं, तो कितना आ जाएगा आपके प्लांट मशीनरी आ गया सीधा स्टॉक कितना 4,00,000 का, फिर है आपके डेटर कितना 4,80,000, फिर है आपके बैंक, बैंक कितना 2,00,000, ये हो जाएगा आपके 2,00,000 प्लस 4,00,000 प्लस 4,80,000 प्लस 2,00,000, ये होता है आपके 12,80,000। इसमें से हम लेस करेंगे, एक तो लेस करेंगे क्रेडिटर, चलो क्रेडिटर कितना दे रखा है आपके 50,000, दूसरा देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट लेंगे तो इन्वेस्टमेंट फंड लेंगे, वहां इन्वेस्टमेंट फंड हम नहीं लेंगे, तो फिर आपके पीछे क्या बचा है, प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स बचा है, टैक्स पे ले करंट ईयर पर, जैसे यहाँ कितने लेते बताओ 5,40,000 तो यहाँ भी क्या लेंगे हम 5,40,000, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से हमने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लिया था, तो वहां इन्वेस्टमेंट आपको तो पूरा पूरा हमने काम में ले लिया, अब यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं तो हम उसका इंटरेस्ट भी ले लेंगे, तो क्या करेंगे हम 36,000 माइनस करेंगे और फिर निकालेंगे उसका 50%, 5,40,000 में से घटाएंगे कितना 36,000, फिर इसका करेंगे 50%, ये होता है आपके 2,52,000, 2,52,000 प्लस 50,000, ये होता है आपके 3,02,000, घटाओ माइनस कर देंगे 12,80,000, ये आ जाएगा आपके 9,78,000। अब और कोई पॉइंट था इसमें, और तो कोई था ही नहीं इसमें, अब देखो आपके 9,78,000 है, देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट लिया था इसलिए हमने टैक्स नहीं, टैक्स में से माइनस नहीं किया, वहां इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वहां भी घटाएंगे यहाँ भी घटाएंगे, अब 9,78,000 कितना परसेंट, 9,78,000 कितना परसेंट है, 9,00,000 कितना है 15%, बराबर, अगर आप 15% ज्ञात करोगे तो क्या आएगा आपके नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा सीधा, यहाँ देखो करो सीधा करो वहीं पर 9,78,000 का कितना 15%, ये होता है 1,46,700, यहाँ आ जाएगा आपके 1,46,700 माइनस 2,45,333, ये होता है आपके 98,633 इंटू 3, ये आ जाएगा आपके 2,95,899। पॉइंट बाकी रह गया, यहाँ पर ये पॉइंट हमने लिए ही नहीं, कौन सा पॉइंट नहीं लिया, आधे साल का करंट ईयर प्रॉफिट लेस करेंगे, आधे साल का करंट ईयर प्रॉफिट कितना, करंट ईयर प्रॉफिट कितना है 270, देखो ये रहा 5,40,000 का आधा 270, तो कितना होगा आपके, ये हो जाएगा 2,70,000, तो 9,78,000 माइनस कर देंगे 2,70,000, ये डेथ आप ध्यान ले लो, कितना हो जाएगा 5,40,000 माइनस 36,000 के लिए, 270 कटो
978 माइनस 270 ये आ जाएगा आपके 7,08,000। इसका ले लें कितना 3,02,000। करंट ईयर प्रॉफिट का आधा, अब बताओ करंट प्रॉफिट है कितना आज बताओ। हमारे पास 5,40 का लाभ था, ये क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये रहा हमारे पास ये है। इसमें से अगर हम टैक्स घटाएंगे तो क्या आएगा आपके 270 घटाओ तो कितना बचेगा आपके 270। ये क्या है, ये है लाभ आपका। अब इस लाभ का कितना, इस लाभ का आधा आधा कितना होता है 1,35,000 माइनस करेंगे 9,71,000 माइनस 1,35,000 ये हो जाएगा आपके 8,43,000 का कितना परसेंट 15%। क्या होता है 15% क्या होगा आपके नॉर्मल प्रॉफिट होगा इंटू 15% ये होता है 1,26,450 1,26,450 माइनस 245,333 ये आ जाएगा आपके 118,883 इंटू 3 ये आ जाएगा आपके 356,649 ये आ जाएगा 356,949 छह सौ उनपचास प्लस कितना ये तो हो गया 10,00,000 प्लस 486 ये आ जाएगा आपके 20,36,650 प्लस माइनस कर देंगे 3,32,000 ये आ जाएगा आपके 17,04,649 ये आ जाएगा 17,04,649 तो भाग कितना आएगा 170.46 ये आएगा 170.46 170.46 प्लस 173.33 भाजक 2 ये आएगा आपके 171.895 या 9 भी कह सकते हैं।